हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सीलिंग फ़ैन, जो आप अपना मिनी सीलिंग फ़ैन है, देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कितना छोटा अपना मिनी सीलिंग फ़ैन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी बाइंडिंग, फुल बाइंडिंग बताऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों, अपन इसकी स्लॉटों की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें स्लॉट हैं वो 24 हैं। और दोस्तों, जो इसकी पिच होने वाली है 4-6, और 4 में एक राउंड और 6 में 2 राउंड रहेंगे। और दोस्तों, जो अपनी रनिंग सेम है और स्टार्टिंग भी सेम है। अब दोस्तों, मैं इसका नाप ले लेता हूँ कॉइल का, और फिर अपन कॉइल बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे कॉइल बनाकर फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, जो अपनी कॉइल है बन चुकी है। और दोस्तों, जो अपनी रनिंग के लिए बनी है 4 कॉइल, और 4 कॉइल स्टार्टिंग के लिए बनेंगी। अब दोस्तों, अपन इसकी गेज की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें गेज डाला है वो अपना 35 नंबर एल्युमिनियम वायर है। दोस्तों, मैं इसमें जो मैंने इसमें टर्न डाले हैं वो मैंने इसमें 240 टर्न डाले हैं इसमें। तो दोस्तों, चलिए अब अपन मोटर को वाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने स्लॉट पेपर काटे हैं वो लेदराज पेपर है, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे ये कटिंग कर ली है मैंने। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपनी नई नई वीडियो आती रहें। दोस्तों, ये है अपनी पहली कॉइल, तो उसको अपन इंस्टॉल करेंगे। तो ये अपना इनर वायर है, ठीक है, और इसको 1 से लेकर 4 में डालेंगे कुछ इस तरह से। ये अपना आउटर वायर आ चुका है, बाकी कॉइल से जुड़ा हुआ है। और ये अपन ने स्लॉट पेपर को लिए और कुछ इस तरह से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, कॉइल को थोड़ा खींच कर और फिर इस तरह से पलट देंगे, और फिर इस तरह से बिठा देंगे अपन, और फिर अपन ये दूसरी तरफ से ही बिठा देंगे। तो ये अपना 6 में 1 राउंड हो चुका है, और इस कॉइल को खींचेंगे और 6 में ये अपना दूसरा राउंड डल रहा है, देख सकते हैं आप, ये अपना 6 में दूसरा राउंड डल रहा है। तो दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपके लिए हमेशा इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पतला तार रहता है अपना, जिससे कि ये बिदेना, अगर बिध जाता है तो दोस्तों तो टूट भी सकता है। दोस्तों, ये अपनी 6, मतलब कि जो अपनी कॉइल है, जो इसकी पिच है 6 वाली, तो इसमें दूसरा राउंड डालने के लिए कॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर और फिर आप इसको इंस्टॉल करें। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही अच्छी तरीके से ढीली हो जाएगी कॉइल और फिर आराम से बैठ जाएगी कुछ इस तरह से। तो पेपर को भी दबा देते हैं अपन, जिससे कि पेपर बाहर ना आए। और अब दोस्तों, जो अपनी दूसरी कॉइल है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इसका इनर वायर और आउटर वायर का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, इसको मैं कॉइल को अच्छे से आगे पीछे कर लेता हूँ, जिससे कि अपना जो वायर है वो अपना टूटे वगैरह ना। और दोस्तों, अपन को कुछ इसी तरह से कॉइल को बैठालना है। अब दोस्तों, इसमें सेपरेटर पेपर लगा देते हैं, जो स्लॉट पेपर है वो। अब दोस्तों, अब अपन इसका स्लॉट पेपर लगा देते हैं। तो दोस्तों, जो अपना स्लॉट पेपर है वो लगा दिया है, और आप देख सकते हैं जो अपना इन आउटर वायर है वो अपना लेफ्ट हैंड साइड है। और दोस्तों, कॉइल को अपन आराम से बिठा लेते हैं और इस वायर को इधर ही दबा देते हैं। और ये दोस्तों अपना 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है, और ये अपना दूसरा राउंड। तो दोस्तों, ये अपना दूसरा राउंड हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों,
देख सकते हैं वायर थोड़ा बहुत बित जाता है स्लॉट जो स्लॉट है इसमें, क्योंकि पतला तार है अपना 35 नंबर पतला तार हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है। तो अपन ने कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है और अब इसमें स्लॉट पेपर को लगा देते हैं कुछ इस तरह से। और देख सकते हैं जो अपनी पहली कॉइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों इसी तरह से अपन दूसरी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं कॉइल को इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से कॉइल को इंस्टॉल करना है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों इसमें अपन जो स्लॉट पेपर है वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी तीसरी कॉइल। तो दोस्तों आपने देखा कि अपनी जो मिनी सीलिंग फैन की वाइंडिंग है वो कितनी आसान है, देख सकते हैं। और जो अपना आउटर वायर है देख सकते हैं, और इसको अपन 6 में 2 राउंड लगा देते हैं। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों अपन को मोटर को वाइंडिंग करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक पत्ती है, तो आपके लिए अगर ऐसी पत्ती चाहिए हो तो आप जैसे जनरेटर में लगती है वैसे ऐसी वाली पत्ती, तो आप जनरेटर से निकाल सकते हैं। और अपनी देख सकते हैं जो तीसरी कॉइल है वो भी कंप्लीट हो ही जा रही है। तो ये अपनी तीसरी कॉइल लग चुकी है और ये अपने स्लॉट पेपर को लगा दिया है। अब दोस्तों जो अपनी बची है चौथी कॉइल बची है, और आप इसका जो इनर वायर है वो देख सकते हैं, और ये अपना आउटर वायर उस साइड पे लगाया और इनर वायर इस साइड आ चुका है अपनी साइड। अब दोस्तों इसमें सेपरेटर पेपर लगाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अपन ने सेपरेटर पेपर लगा ली है इसमें, और अब इसको घुमा देते हैं जो अपना एक राउंड। और ये अपना प्रेस को कॉइल को घुमाया और ये अपना दूसरा राउंड। और दोस्तों देख सकते हैं जो अपनी कॉइल है बिध जाती है, तो इससे बचाना क्योंकि तार टूट जाता है तो कॉइल को मतलब कि बाइंडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है इसमें वैसे तो। और दोस्तों इसका मैं बताऊं तो इसका जो नाप है थोड़ा ढीला ही रखें, इससे कि जो अपनी कॉइल है वो आसानी से बैठ जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अपनी कॉइल है इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों मैं इसमें डॉक्टर टेप लगा लेता हूँ दोनों तरफ, और फिर अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों जो अपनी कॉइल है वो स्टार्टिंग वाली बन चुकी है। दोस्तों टर्न वगैरह और नाप वगैरह मतलब कि नाप इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि 1 इंच के मतलब कि अपना हाँ 1 इंच के समथिंग थोड़ा सा बड़ा है। जो कॉइल सेम है ये अपनी स्टार्टिंग कॉइल है। दोस्तों ये अपनी डॉक्टर टेप मैंने लगा ही लिया इसमें, और अपनी जो कॉइल है वो इधर इधर से डलेगी, देख सकते हैं इधर इन दोनों से। तो चलिए अपनी कॉइल को डालते हैं। दोस्तों कॉइल डालने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे अपन ने मतलब कि रनिंग कॉइल डाली थी, वैसे ही सेम स्टार्टिंग कॉइल डलेगी अपनी। तो ये जो अपनी स्टार्टिंग कॉइल है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 1 इंच कॉइल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कॉइल डालने का तरीका वही है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको फटाफट वाइंडिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों
अब आप करने मोटर को देखिए, ठीक है, कैसे अपनी स्टार्टिंग कॉइल डलती है, मतलब डल रही है। अब दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके लिए ये कॉइल डालकर, ठीक है। तो दोस्तों देखा हमने जो अपनी मोटर है कितने आसान तरीके से अपनी मोटर बाइंडिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने आपके लिए फुल डेटा ही बता दिया इसका, जो इसका डेटा है दोस्तों। तो इसमें जो गैजेट डाला है वो 35 नंबर है, और जो अपनी कॉइल पिच है वो अपनी 4 में 1 राउंड, 6 में 2 राउंड है, और टन है इसके 220। और दोस्तों जो आरपीएम है इसके 1440 इसके आरपीएम है, और दोस्तों जो अपन कैपेसिटर यूज करेंगे इसमें वो अपन 315 का कैपेसिटर यूज करेंगे इसमें। दोस्तों अगर आपके लिए अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे अपनी नई नई वीडियो आती रहें, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक प्लीज़ जय हिंद जय भारत।